हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी चोरी ब्लॉग्स पे। तो यहां सबसे पहले मैंने बाहर गद्दे निकाल दिए हैं क्योंकि आज मैं करने जा रही हूं बेड की सफाई। उसके बाद मैं जो ये सोफ़े रखे हैं, सोफ़ों वाली जो कुर्सियाँ मतलब अंदर रखी हैं सिंगल सोफ़े, उनको मैं बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद ये टेबल जो बीच में रखी होती है मेरे रूम में ही, क्योंकि मेरा सोफ़े का सेट रखा हुआ है, तो उनको मैंने साइड में दीवार के साथ लगा दिया है क्योंकि बेड सरकाऊंगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी सामान इधर उधर करने में। और इनकी तो सलाह थी कि पूरा बेड मतलब बाहर ही निकाल दिया जाए रूम से सारा सामान, उसके बाद सफाई हो, लेकिन वो मैंने नहीं फैलाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और दिवाली भी आने वाली है, उस टाइम पर भी सफाई होगी ही होगी। तो यहाँ पर ये मैं बेड को खाली करने के लिए लग गई हूँ। और अभी ये मैं लेके गई थी सूट साड़ियाँ, और आपको पता है हरियाणा की जो भी लड़कियाँ होती है भाई, उनके तो बेड संदूक जो भी लगा लो पेटी वो इस तरह से मतलब भरे ही होते हैं, चाहे पहनने में आए ना आए, लेकिन कुछ इस तरह के कपड़े होते ही हैं जो मतलब हमारे पास स्टॉक में रखे हुए होते हैं। और ये बस ऐसे ही नए पुराने बिस्तर हैं कुछ, और कुछ सामान उसमें पेटी में भी रखा हुआ है। इसमें लिमिटेड सा सामान ही आता है क्योंकि जो बेड की ऊंचाई है वो बहुत कम है, तो बहुत बड़े वाले सामान डिब्बे तो इसमें आते भी नहीं है मेरे कुछ सामान के, इसीलिए मैंने उनको उसमें रखा हुआ है संदूक में। और यहाँ पे ये निश्चय के छोटे के पुराने पुराने कपड़े थे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। और ये जो मैं आपको बॉटल दिखा रही हूँ, ये जब मैं 5th क्लास में थी तो मैं डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई थी तब मुझे ये मिली थी, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रखी हुई है। और ये है मेरे बेटे का फर्स्ट बैग जो वो पहली बार स्कूल में गया था तब लेके गया था। और फिर इसके बाद अंदर से मतलब सफाई करने, वो सामान खाली कर देने के बाद मैं यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू। और ये है मेरे बेटे की छोटी सी मच्छरदानी जाली जो वो हुआ हुआ था तब मैं उसके ऊपर लगा देती थी। और ये फिर बस इधर भी सूट साड़ियों का सामान है जो मैं पूरी तरह से खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि दोनों बेड का मैंने ऐसे ही किया था, थोड़ा थोड़ा सामान, एक तो शायद पूरा ही खाली कर दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही खिसका दूंगा, पूरा मत खाली करो। और ये देखो बेड के अंदर का कूड़ा, बताओ वहाँ भी इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। और इसके बाद ये है मेरी शादी की एल्बम, तो एल्बम भी मैं यहीं रखती हूँ बेड में ही, क्योंकि ये होता है कि एल्बम को अगर संदूक पेटी में उठा के रख दो तो फिर बड़ा भारी काम हो जाता है निकालने का, और बेड तो खुलता रहता है मेरा, बेड में कोई दिक्कत नहीं है। और ये इधर बस क्रॉकरी वाला जो सामान है वो रखा है, इनको बड़े मतलब ध्यान से निकालना पड़ता है बहुत सेफ्टी से, क्योंकि मेरी किचन ऐसी है बिल्कुल ओपन है, उसमें कोई ड्रॉर व्रॉर नहीं बने हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरह का सामान मैं अभी नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरे तो चूहे ही कर जाएंगे भाई काम, यूज़ में तो कुछ आएंगे नहीं, इससे पहले चूहे तोड़ जाएंगे। तो ये बस शादी के कुछ बर्तन हैं जो बहुत बड़े बड़े थे जो इसमें नहीं आए थे, वो सब मैंने पेटी में उठा के रखे हैं और बाकी मेरी किचन में मैंने निकाल रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग को खिसका दिया है, और इनकी और मेरी बहस भी हो रही थी इस बात पे, ये बोल रहे थे कि नहीं कर सकती नहीं कर सकती, फिर ये बोल रहे थे कि पूरा सामान बाहर निकाल ले, मैं अकेला कर दूंगा, तेरी हेल्प भी नहीं लूँगा। मैं बोले कि आप साइड हो लो और ना मैं खुद कर लूँगी, मेरे को नहीं चाहिए आपकी हेल्प। और मैं इधर की इधर खिसका के दिखा दूँगी सारा सामान कमरे की कमरे में, लेकिन ये ना बिल्कुल मतलब ऐठ गए थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और भाई मैंने तो करके दिखा ही दिया। और ये जो पीछे आपको दीवार ख़राब दिख रही है इसी के कारण बेड की डायरेक्शन चेंज करी जा रही है, क्योंकि ये इतनी गंदी हो गई है पीछे से, और इस साइड में जो पीछे घर लगता है उसकी वजह से सीलन इतनी आती है इस दीवार पे, इतनी सीलन हो गई है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। जो मैट मैंने लगाया था वैसे तो वो हल्का सा ही था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पाया, एक महीना भी शायद उसे लगाए हुए नहीं हुआ होगा, और वो भी मतलब खुद ही खुद उखड़ना शुरू हो गया है। तो इसका इलाज तो देखते हैं जब पेंट वेंट कुछ होगा तभी मिलेगा इसका इलाज, लेकिन इससे मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रही थी कि जब भी मैं सफाई बेडशीट जो होती है वो झाड़ने की जब भी बात आती है तो कम से कम दिन में से मुझे 4 बार चादर झाड़नी पड़ रही थी, क्योंकि इसके पंखा कूलर चलते ही जो ये सीमेंट है वो झड़ झड़ के दीवार पे गिरने बेड पे गिरने लग रही थी, और फिर उस वजह से ना बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था, किरकिर में नहीं लेटा जाता बिल्कुल भी, तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, बेड की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और इस साइड से दीवार से थोड़ा सा दूर रख लिया था बेड, मतलब बिल्कुल दीवार को टच नहीं किया था ताकि जिससे कि
अब की बार मतलब मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बार 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 चद्दर झाड़ना। दिन में से पता नहीं 4 बार तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, पता नहीं कितनी बार मैं सफाई करती थी बेड की। और यहाँ पे ये बस मैंने बेड सरका दिए हैं तो एटलीस्ट मैं जीत ही गई हूँ। और ये बोल रहे थे कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके बाद मैं वापस से आ चुकी हूँ अपने बेड में सामान लगाने के लिए। तो पेच तो बंद करने में मैंने इनकी हेल्प ली थी थोड़ी सी, क्योंकि ये मेरा जो बेड है ना इसमें थोड़ी सी कान है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा है पता नहीं कैसे, और बहुत फिनिशिंग से इसके अंदर से काम भी नहीं हो रखा। आप देख सकते हो मतलब बिल्कुल जो काम चलाऊ वाला काम होता है ना उस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि शादी के टाइम का है और उस टाइम पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो शायद जल्दबाजी में की जाती हैं, और उन्होंने धोखा दे दिया भाई सामान देने वाले ने। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये ना दिल्ली से ही लिया था, तो दिल्ली में तो आपको पता ही है, अगर शायद हरियाणा से ये सब सामान लिया गया होता तो शायद थोड़ा बहुत ठीक होता। और लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसकी क्या हालत हो रखी है। और फिर यहाँ पे ये चले गए थे कहीं बाहर, तो मैं यहाँ पे अकेली ही बस सामान सेट कर रही हूँ। एक साइड में मैंने अपने क्रॉकरी वाला सामान रख दिया है और ये बर्तन वर्तन सब इस साइड में सेट कर दूँगी। और बहुत मुश्किल होता है मतलब फैला तो हम लेते हैं एक बार, लेकिन उसके बाद जब फैला हुआ दिखता है ना तो जचाने में थोड़ी सी एकदम से घबराहट होती है, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे सामान लगने लगता है तब जाके मन को शांति मिलती है। और सॉरी मैं आपको यहीं से सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि आज मैं वीडियो का स्टार्टिंग और एंडिंग बस ऐसे ही कर पाई, फेस टू फेस बात करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है इस तरह के काम जब भी हम करते हैं तो फिर बिज़ी हो ही जाते हैं और मैं मतलब थोड़ी सी थकान भी हो जाती है ऐसे ऐसे काम करने में। तो यहाँ पे बस ये जो निश्चय की पुरानी गुदड़ी होती है, हम तो गुदड़ी बोलते हैं, वही बिछोना बोल सकते हैं, तो वो सब मैं इसके ऊपर ढक देती हूँ, क्योंकि फिर ये क्या काम आने वाले हैं मतलब। और एक्स्ट्रा की जो पुरानी चादर वादर होती है वो कुछ मेरे पास अभी है नहीं जो मैं वो ढक दूँ, तो बस इन्हीं से मैंने इसको कर दिया है बंद। और ये निश्चय की है वॉकर जो ब्लू वाली थैली में है, तो यहाँ पे वो मैंने लगा दिया है। और इसके साइड में मैं ये कर दूँगी यहाँ पे मच्छरदानी जाली, और ये एक बेड का कंबल है जो अभी तक यूज़ में आया ही नहीं है, और ये है कारपेट मैट है ये, लेकिन ये भी नहीं बिछा पाई हूँ मैं, क्योंकि इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है। और ये मम्मी ने मुझे अभी दिया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन या पता नहीं, हाँ नहीं ये तो निश्चय के होने में आया था, तो क्या कहते हैं ना ये मैं लेकिन बिछा नहीं पाई हूँ क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है, मेरे घर में मतलब सेट हो ही नहीं रहा है। और ये हैं निश्चय के छोटे छोटे बिछौने, छोटा सा गद्दा, छोटी सी रजाई, और ये यहाँ पे बस मैंने ये सब सेट कर दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे साइड में मैं लगा दूँगी, इस पॉलीथिन में एक है पर्दा मेरा जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कहीं लगाने के काम ही नहीं आ रहा। और ये इनका कोट पैंट का है बैग, तो ये भी नहीं पहने जाते भाई, ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये रजाई का कवर, ये भी देखती हूँ गर्मियों में बोल रही हूँ, सर्दियों में अब मुझे लगाना है ये, और इसीलिए बस मैं इसको यहाँ पास में ही रख दे रही हूँ कि रजाई के पास फिर मुझे दिख जाएगा जब भी मैं ये सामान निकालूँगी। और ये है रजाई, दिखने में ये काफ़ी हल्की सी लग रही है लेकिन इसमें ठंड मतलब अच्छी खासी रुक जाती है। मैं तो देखो भाई अपनी मोटे वाली रजाई ओढ़ के सोती हूँ, लेकिन ये इसी को ही ओढ़ के सोते हैं। और यहाँ पर ये इनके बैग हैं, ये भी कुछ काम में नहीं आते अब, लेकिन बस हाँ पहले से रखे हुए हैं ये, तो फिर रख ही देती हूँ क्योंकि कहीं से भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक है ये। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे अपनी पुरानी स्टॉल है मेरी, ये लगा दी है ऊपर रजाई वाली तरफ, क्योंकि दूसरी साइड तो मैट को मैंने उल्टी तय कर रखी है, वो तो गंदा नहीं होगा लेकिन रजाई गंदी हो जाएगी, और रजाई जैसी चीज़ें धुलती भी नहीं है। और ये बीच में मैं तकिया इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये क्या बोलते हैं ये एकदम से पट मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ ना करे जब तक था बेड का मैं ऊपर का गिराऊँ तो, और मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। और ये जो फट्टी जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अंदर की फिनिशिंग मैं आपको दिखाऊंगी इसकी, तो यहाँ पे ये नहीं थे वरना मैं इसको ठुकवा लेती हूँ। और मुझे लग रहा था कि कहीं मैं इसको जोर दिखाऊं और ये दूसरी साइड से इसका घट्टा ना निकल जाए। और यहाँ पे ये शुरू हो जाती है शाम होते ही इन तीनों बच्चों की मस्ती, तो ये तो रोज का ही काम है, यहाँ पे कभी यहाँ और कभी वहाँ लगा ही रहता है। इस जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव,
पार्वती के पुत्र कहा शंकर सुख स्वामी गजानंद गणनायक भक्त के स्वामी रिद्धि सिद्धि के मालिक। बस बोला ये बनेगा नहीं शुचल दिया जो तुमने ना फिर तू बन जाएगी। इधर तो मुंह कर ला बाजा बजाना आ रहा ओ बाजे वाले भाई आप भी ना चलो और यहाँ पे ये मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल और तेल में इसके बाद मैं गरम होते ही डाल दूँगी एक चम्मच जीरा और एक चम्मच अजवाइन तो दोनों चीज़ें डालकर ही मैं बनाऊँगी और इसके बाद मैं डाल दूँगी कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद मैं यहाँ पे बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ और इनको गोल्डन कलर का होने तक हमें भूनना ही भूनना है। कच्चे प्याज इसमें अच्छे नहीं लगते और बेड वेड की सफाई करने के बाद आपको पता ही है थोड़ा थक भी जाते हैं तो फिर इन्होंने भी बोला कि कुछ हल्का ही बना ले तो फिर बस मैं यहाँ पे नमकीन जवे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वही मैंने बनाए थे और भाई आज हमने वही खाए थे। यहाँ पे प्याज मेरे भुन के हो चुके हैं रेडी। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और हल्दी के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च और फिर मैं इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी कुछ सेकंड्स के लिए। इनको इसी के अंदर फ्राई होने दूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपको पता ही है अच्छी तरह से जैसे ही मैं ये मिक्स हो जाएंगे उसके तुरंत बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक और नमक के बाद ही इसमें डाल दूँगी काली मिर्च और थोड़ा सा ये सूखा धनिया पहले मैंने डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है बिल्कुल थोड़ा सा और इसके बाद ये काली मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर ढक भी दिया था इसको क्योंकि ढकने से आपको पता है कि एक तो ढकने से और थोड़ा सा नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं और वैसे तो मेरे टमाटर तो जल्दी ही गल जाते हैं क्योंकि मैं मतलब हमेशा छिलका उतार के ही बनाती हूँ। और फिर वापस से फिर मैंने ढक दिया है 5 मिनट में चेक करने के बाद क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं भुने थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे मटर डाल दी है। मटर भी मेरी कच्ची है और मटर मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि जो भी सब्ज़ियाँ होती है वो पहले ही डाल देनी चाहिए। आप जो भी सब्ज़ी मतलब डालना चाह रहे हैं गाजर डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो, तो पहले ही मैंने मटर डाल दी है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये चेक करने आ चुकी थी क्योंकि सूखी सब्ज़ी ज़्यादा जल्दी पकती है, ज़्यादा जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं मतलब सूखे में इनको पका रही हूँ, पानी बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे ये मैंने इसमें कटे हुए 2 आलू डाल दिए मीडियम साइज़ के और थोड़ी सी मटर थी। बस इन्हीं चीज़ों से आज मैं नमकीन जवे बना रही हूँ और आप देखना मतलब बिल्कुल चावल जैसे खिले खिले बनेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि नमकीन चावल हैं या नमकीन जवे हैं। तो यहाँ पे मैं ये आलू और मटर को चेक कर ले रही थी कि हाँ भाई हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, फिर इससे ना जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। और फिर ये वहाँ पे नहीं हुए थे, 2 मिनट और ढक के मैंने इनको पका लिया था और अब ये मेरे हो ही चुके थे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने मलाई ले ली है, मलाई सिर्फ़ एक टाइम की है और यहाँ पे मैंने वो मलाई को ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी फिर ढक कर पका दूंगी ताकि मलाई अपना घी बिल्कुल छोड़ दे। मलाई डालने से जवे में बिल्कुल अलग सा फ्लेवर आ जाता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मलाई उस टाइम पे अवेलेबल नहीं आप है, लास्ट में जब जवे बिल्कुल बन के रेडी हो जाएंगे उसके बाद इसमें 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ये 4 गुना पानी ले लिया है, जैसे कि आपके 1 कटोरी अगर जवे हैं तो 4 गुना पानी ले लेना है। जब पानी मेरा खोलना शुरू हो जाएगा तब तक आप अपने जवे भून सकते हो, लेकिन मैंने अपने जवे सारे ही पहले भून के रखे हुए हैं तो मुझे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं हमेशा ही जवे भून के रख देती हूँ पहले ही ताकि फटाफट से बना लूँ फिर। और यहाँ पे ये पानी खोलने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं जवे, तो बस अब फटाफट से मेरे जवे बन के हो जाएंगे रेडी क्योंकि ना तो मुझे सब्ज़ी चेक करनी है कि भाई सब्ज़ी गली है नहीं गली है, सब्ज़ी मैंने पहले ही पका ही ली है। और जैसे ही जवे फूल जाएंगे तो अपने आप ही मतलब हो चुके हैं बनके रेडी।
पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनमें। तो देखिए कुछ इस तरह के बने थे मेरे जवे। तो लीजिए सबसे पहले आप सब खा लीजिए, फिर मैं खाती हूँ। तो चलिए यहीं से कर देती हूँ आज की वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।